ये लोग तो शुरू से विकास दुबे जैसे लोग के साथ है। आईपी सिंह जवाब दीजिएगा जल्दी से, बाकी मेहमानों के पास बढ़ूंगी, फिर आप कहेंगे कि आपने वक्त नहीं दिया मुझे डिफेंड करने का। आईपी सिंह, ये कब से फिर से जी हिंदुस्तान शुरू हो गया? आईपी सिंह आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आईपी सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जैसे ही संपर्क होगा उनसे जवाब लूंगी। मनीष शुक्ला जी सवाल आपसे मेरा, लेकिन सुनिए, खत्म बेशक हो गया, एनकाउंटर बेशक हो गया, लेकिन चुनौतियां अभी बहुत है, क्योंकि जो खुलासे वो करके गया है उसमें ये साफ हो जाता है कि खादी खाकी अपराधी का गठजोड़ बहुत लंबे वक्त से चल रहा है और अभी बहुत मजबूत जड़ें हैं इसकी। शुक्ला जी कैसे खत्म करिएगा, कितनी बड़ी चुनौती? 91 से उसका अपराध का सफर शुरू हुआ था और 29-30 साल का सफर है। 2001 के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 14 साल उसको निर्भय रूप से आचरण करने घूमने का अवसर मिला था उत्तर प्रदेश में। और 2-3 जुलाई की घटना के बाद सरकार ने उसका माफिया चार्ट बनाने के लिए आदेश दे दिया है, जिसमें तय हो जाएगा कि किसने कब तक उसकी मदद की है। एक बात सुनिश्चित जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में विकास दुबे ऐसे मनोवृत्त के व्यक्ति या ऐसे लोगों की मदद करने वाला, फिर वो चाहे जितना रसूखदार हो, उनके सत्य ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये जो मुहिम शुरू की गई है गाजीपुर से गाजियाबाद तक, सहारनपुर से सोनभद्र तक, की अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया जाएगा, अपराधियों से के आतंक से मुक्त उत्तर प्रदेश किया जाएगा, इनके आर्थिक साम्राज्य को भी खत्म किया जाएगा, वो चलती रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश में कदम रखने के पहले, उत्तर प्रदेश में अपराध करने के पहले अपराधी 100 बार सोचे। ठीक है, आईपी सिंह का अगर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन तक आवाज पहुंच रही है, तो आईपी सिंह जवाब दीजिएगा। सवाल ये कि आपने तो पाला पोषा है और आप कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी, पाला पोषा है। जंगल राज तो आपके राज्य में था, यानी समाजवादी पार्टी के राज्य में था, हालांकि 2017 से पहले आप समाजवादी पार्टी में नहीं थे, आप भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन सवाल ये कि 2016 में मथुरा में जो जवाहरबाग भूमाफिया राम वृक्ष यादव जो पनपा, क्या उसको आप भूल गए? ऐसा एएसपी मुकुल द्विवेदी की शहादत को भूल गए? संतोष कुमार की शहादत को भूल गए? क्या किया गया था? वो गुंडे किन्ने बन पाए थे? ये छोटे छोटे पौधे राम वृक्ष यादव और ये दुबे वृक्ष यादव की तरह जो आगे बढ़ते हैं, इनको पौधे को वृक्ष बनाया किसने? राजनीति दलों ने, एक गठजोड़ ने, इसके लिए कोई अछूता नहीं है, जवाब दीजिएगा। राम वृक्ष अगर आपको याद है तो उस पर भी बोलिएगा, कुछ बीच में जवाब पूरा दूंगा, बोलिए। नहीं नहीं, अब बिल्कुल बोलूंगा, आप बिल्कुल बीच में बोलिए मत जी, गलत बोलेंगे। आप भी हो सकता है कि साल भर पहले किसी और चैनल में, 2 साल पहले किसी और चैनल में रही हो। हाँ। दूसरा कि अभी सुबोध सिंह, ये जो सुबोध सिंह इंस्पेक्टर थे, जिस तरह से संघियों ने उनको निर्मम हत्या बुलंदशहर में करी, क्या पुलिस ने उन संघीन परिवारों को जिस तरह से फूल माला पहलाया, क्या उनके घरों को गिराया गया? क्या उनके इनकाउंटर्स हुए? क्या इनकाउंटर्स का जो तरीका है, क्या ये तरीका सही है? जब मोस्ट देश का जो मोस्ट वांटेड हो, आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में इस तरह की अराजकता कभी नहीं थी। आज तालिबानी हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, आम जनता भी गोली का बदला गोली से ले रही है और पुलिस भी गोली का बदला गोली से ले रही है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह असफल है, ये सरकार बदल जाती, इस्तीफा देना पड़ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अजय सिंह मिश्र को, इसलिए ये आनन फानन में जो 100 गाड़ियों से पुलिस उसे लेकर आ रही थी, सरकार बचाने थी, प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को बचाना था, विधायकों को बचाना था, कानून मंत्री को बचाना था, इसलिए आनंद फानंद में देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान करते हुए गोलियों से भुना गया है। अपराधी मारा जाना चाहिए, अपराधी के साथ कभी न समाजवादी पार्टी थी, न है, न रहेगी, लेकिन अपराधी को सजा ये अदालत को देना चाहिए था और ये सजा सिर्फ सरकार को बजाने के लिए दी गई है। समय पूरा दिया, जरा सुनेंगे। तरीका अपनाया गया है वो तरीका स्टूडियो में, स्टूडियो में अच्छा लगता है सर, और थोड़ा सा बदल लीजिएगा अपना अंदाज, चूंकि पुराना हो गया। एक सेकंड, सुनने की आदत डालिए।
आईपी सिंह सुनने की आदत डालिए सवाल लीजिए मेरा मत बनिए। किसी भी चैनल को एंकर को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता मत रखिएगा, पॉकेट में बंद करके ले जाइए उसे। सवाल लीजिए मेरा, साल की मेरा सवाल लीजिए पहले, साढ़े तीन साल पहले मेरा सवाल लीजिए आईपी सिंह सरकार आईपी सिंह पहले सवाल लीजिए, एजेंडा नहीं सवाल का जवाब, सिर्फ सवाल का जवाब। मैंने आपसे ये कहा कि क्या 2016 का एक सेकंड सर, 2016 जवाहरलाल कांड क्या उल्टा सीधा सवाल है आपसे? नहीं बैठा हूँ। 2016 जवाहरलाल कांड क्या उल्टा सीधा सवाल है आपसे? दो अधिकारियों की शहादत हो जाती है और आप कहते हैं उल्टा सीधा जवाब। शर्म आनी चाहिए आपको।